सब्जेक्टिव शीट नंबर 33 में क्वेश्चन है, 12 सेल्स, 12 सेल्स हैं, ईच हैविंग ईएमएफ ऑफ ई वोल्ट, तो हर सेल की ईएमएफ ई वोल्ट है, तो 12 सेल्स की 12 ई है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के साथ कनेक्टेड है, एंड आर केप्ट इन अ क्लोज्ड बॉक्स, तो एक बंद बक्से के अंदर 12 बैटरीज को कनेक्ट कर दिया। तो मुझे लगा ठीक है, टोटल ईएमएफ उस बक्से की क्या होगी, 12 ई, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन आगे उसने बोला, सम ऑफ दीज सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स रिवर्स। अब प्रॉब्लम हो गई, अगर वो सीधे कनेक्टेड होते तो उस डिब्बा जो मैं अंदर देख नहीं पा रहा, उसके अंदर देख नहीं पा रहा मैं क्या हो रहा है, 12 सेल्स पता है मुझे उस डिब्बे में, वो कह रहे हैं रॉन्गली कनेक्टेड है। अब मैं आंसर 12 ई बोल नहीं सकता, क्योंकि जो सीधे कनेक्टेड है उनकी ईएमएफ ऐड होगी और जो उल्टे हैं उनकी ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगी। अब मुझे पता नहीं कितने सीधे कितने उल्टे हैं, तो इतना पता है कि 12 सेल्स हैं। अब वो कह रहे हैं दिस 12 सेल बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एम मीटर, ठीक है, एम मीटर करंट मेजर करता है, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओ, तो तार लगी हुई है कैपिटल आर की, एंड टू सेल बैटरी, अंदर एक और डिब्बा है इसमें दो सेल लगे हुए हैं, टू सेल्स ऑफ सेम टाइप यूज्ड अर्लियर, वही ईएमएफ ई वाले, कनेक्टेड परफेक्टली इन सीरीज, वो कह रहे हैं जो छोटा डिब्बा है उसमें परफेक्टली सीरीज है, तो उसकी ईएमएफ 2 ही आएगी, वो सीधे कनेक्टेड है। अब वो छोटा डिब्बा और बड़ा डिब्बा आपस में कनेक्ट कर दिए विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द करंट इन द सर्किट व्हेन 12 सेल बैटरी एंड 2 सेल बैटरी एड ईच अदर, एड का मतलब ये बक्सा बड़े वाला और छोटे वाला अगर सीधे सीधे कनेक्टेड है तो करंट मतलब दे एड ईच अदर, एक दूसरे की तरह लगे हुए हैं, सेम बिहेवियर है उनका, तो उस केस में उनका करंट कितना आता है, 3 एम्पियर। लेकिन व्हेन दे अपोज ईच अदर, एक डिब्बा बड़ी बैटरी का एक छोटी बैटरी का उल्टा कर दिया अपोज, तो करंट कितना रह गया उसमें सर्किट में, 2 एम्पियर। तो बताओ कितने सेल्स इसमें उल्टे कनेक्टेड है। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन इतनी भी नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ गया तो आंसर इसका सिर्फ 2 लाइन का है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि आपके पास एक बड़ा ये बॉक्स है जिसमें कितनी बैटरीज हैं, 12 सेल्स हैं, इसमें 12 सेल्स हैं, 12 सेल्स हैं, एंड रेजिस्टेंस बाहर वायर की कितनी है, कैपिटल आर है, एंड एक छोटी बैटरी है जिसमें कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं ऐसे, राइट। तो इसमें ये लो, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपको डायग्राम उसने दे दिया और साथ में बीच में कहीं क्या लगा दिया, एम मीटर जो करंट को मेजर करता है, ये डायग्राम बनेगा मेरे हिसाब से। केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में 12 सेल की बैटरी का अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, दे एड ईच अदर, एड ईच अदर, लेकिन केस नंबर 2 में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दे अपोज ईच अदर, राइट। एक बात पक्की है, क्योंकि अंदर सेल सीधे कनेक्टेड है तो इसकी ईएमएफ तो हर हालत में कितनी है, 2 ही ऐड ही होगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस इनकी कितनी हो जाएगी, 2R, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी 2R, राइट। इसमें मुझे पता नहीं क्या है, 12 ई तो बोल नहीं सकता, कुछ रॉन्ग कुछ राइट। तो मान लो इसके अंदर एम इज नंबर ऑफ सेल्स जो कि कैसे कनेक्टेड है, रॉन्ग कनेक्टेड है, तो राइट कितने कनेक्टेड है बोलो, सही कैसे कनेक्टेड है, 12 माइनस एम राइटली कनेक्टेड है, ये भी क्लियर हो गया। तो नेट ईएमएफ इसकी कितनी होगी, इसकी ईएमएफ होगी जो सही सेल्स हैं वो कितने, 12 माइनस एम, सही सेल्स यानी कि सीधे कनेक्टेड हैं तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, 12 माइनस एम ही, राइट। और जो उल्टे कनेक्टेड हैं उनकी ईएमएफ क्या है, एम इंटू ई, सारे उल्टे कनेक्टेड हैं लेकिन उनकी ईएमएफ इनमें ऐड नहीं होगी, क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि जो सीधे कनेक्टेड है वो पॉजिटिव, जो उल्टे कनेक्टेड है वो नेगेटिव, तो नेट ईएमएफ आ गई, कोई डाउट इसमें, ठीक। इसकी ईएमएफ भी आ गई, इसकी भी आ गई, और रेजिस्टेंस हर हालत में 12R, क्योंकि 12 सेल सीरीज में है तो रेजिस्टेंस का चक्कर रहेगी नहीं, तो 12R ही आंसर आएगा। तो केस नंबर 1 में, तो केस नंबर अगर हम 1 की बात करते हैं, करंट की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। करंट होता क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बोलो कितनी है,
12 माइनस एम इंटू ई माइनस एम ई प्लस 2e, क्योंकि ये एड ईच अदर। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 12R और 2R कितनी 14R और एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R, ये केस नंबर वन है। ठीक हो गया, तो करंट आ गया राइट। अगर 12 सेल्स टोटल हैं, M गलत कनेक्ट हो गए तो बचे कितने 12 माइनस एम, तो वो राइट कनेक्ट हो गए, तो राइट की ईएमएफ अलग रॉन्ग की अलग, टोटल ईएमएफ ऐड कर दिया। तो अब इसमें केस नंबर टू में करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। कब, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, बड़ी बैटरी में तो एज इट इज ईएमएफ है, लेकिन अब हुआ क्या, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस 2e की जगह क्या हो गया माइनस 2e। रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, ये रो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, M की वैल्यू सॉल्व करके 1 आ रही है, तो इतने सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है आंसर। मेथड क्लियर है?